हेलो ट्रेडर्स, वेलकम ट्रेंड एंड स्टॉक्स। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज आज की तारीख में यानी कि 30 अप्रैल 2021 को आपके सामने लेके आए उस वीडियो के अंदर, जो कि है राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स के बारे में। देखिए, कुछ दिन पहले एक खबर आई थी कि राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर यानी आरसीएफ के अंदर सरकार अपना हिस्सा बेचने जा रही है, यानी कि इस कंपनी के अंदर भी देखिए प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है। और उस खबर से 3 दिन के अंदर ये स्टॉक बहुत जबरदस्त तेजी के साथ में अपने पुराने लेवल से काफी ऊपर पहुंच गया था। अब देखिए, यहां पर उसी सीरीज के अंदर एक इंपॉर्टेंट न्यूज आई है जो मैं इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखने जा रहा हूं। बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए और एक अलार्मिंग सिचुएशन आप कह सकते हैं, क्योंकि इस स्टॉक के अंदर जो खबर है वो ये है कि सरकार 10% का स्टेक बेचने जा रही है ओएफएस के थ्रू, यानी कि ऑफर फॉर सेल के थ्रू। और जब भी ऑफर फॉर सेल किसी पब्लिक कंपनी के अंदर प्रमोटर्स लेके आते हैं, यानी कि सरकार लेके आती है, तो उसके फ्लोर प्राइस को करंट मार्केट प्राइस से नीचे रखा जाता है, जिसकी वजह से यहां पर एक गिरावट देखने को मिल सकती है इसके स्टॉक प्राइस पर भी। हमने जितने भी कंपनीज के अंदर ओएफएस आते हुए देखे हैं, चाहे वो बीडीएल हो, चाहे वो एचएएल हो, चाहे और भी कंपनीज हो, वहां पर हमेशा यही चीज देखी गई है कि कुछ टाइम के लिए स्टॉक प्राइस नीचे गिरता हुआ नजर आता है ओएफएस की खबर के बाद में। तो सबसे पहले देखिए, आपको आर्टिकल दिखा रहा हूं जहां पर आपको यह देखने को मिलेगा कि क्या नोटिफिकेशन है, कितने बजे आज आया है और उसका क्या कुछ इंपैक्ट पड़ सकता है आने वाले टाइम में। देखिए, आज देर शाम का नोटिफिकेशन है 6:23 का, जिसके अंदर यहां पर क्या कुछ लिखा हुआ है वो आपको दिखा देता हूं आरसीएफ के द्वारा। कि इंटीमेशन रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ लीगल एडवाइजर फॉर डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ 10% पेड अप इक्विटी कैपिटल इन आरसीएफ थ्रू ऑफर फॉर सेल बाय प्रमोटर थ्रू स्टॉक एक्सचेंज मैथड इन द डोमेस्टिक मार्केट एज पर सेबी रूल्स एंड रेगुलेशन। देखिए, पब्लिक कंपनीज के अंदर प्रमोटर्स के पास में यानी कि सरकार के पास में एक ऑप्शन होता है ऑफर फॉर सेल, जिसके थ्रू वो अपने पार्शियल स्टॉक्स को सेल ऑफ कर सकती है विद इन स्टॉक एक्सचेंजेस सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग। और यहां पर देखिए, उसी तरीके का इस्तेमाल किया जा रहा है 10% स्टेक को सेल करने के लिए, जिसके लिए डीपम ने यानी के डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहां पर एक लेटर दिया है अपॉइंटमेंट का। किसको? मैसर्स क्रॉफोर्ड बेली अलोंग विद इट्स इंटरनेशनल कंसोर्टियम पार्टनर स्क्वायर पैटर्न बॉक्स सिंगापुर LLP। ये कंपनी है जिसको लीगल एडवाइजर नियुक्त किया गया है इस डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए। तो बेसिकली देखिए, ये जो पूरी प्रक्रिया होगी ओएफएस की, जब भी इसके बारे में फर्दर नोटिफिकेशन आएगा उसके अंदर इसके डेट्स दी हुई होंगी, साथ ही में इसका फ्लोर प्राइस दिया हुआ होगा, और अगर कोई ग्रीन शू ऑप्शन होगा तो वो भी दिया हुआ होगा। यानी कि 10% के ऊपर अगर सरकार बेचना चाहेगी तो वो ग्रीन शू ऑप्शन के अंदर आता है बेसिकली। तो वो सारी इंफॉर्मेशन भी देखिए हमें तब मिलती हुई दिखाई देगी, लेकिन जो भी करंट मार्केट प्राइस होता है उससे डिस्काउंट के ऊपर ओएफएस के अंदर जनरली यहां पर ऑफर किया जाता है स्टेक सेल। इसीलिए डर होता है कि जब भी किसी सरकारी कंपनी में ओएफएस आता है उसका स्टॉक प्राइस गिरते हुए नजर आता है। आज की तारीख में अगर आप देखें राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अंदर क्या हुआ है, लगभग 0.5% की गिरावट के साथ में 73.35 रुपए की क्लोजिंग दिखा रहा है, जबकि 100 रुपए के आसपास का 52 वीक हाई है 2 मार्च 2021 का, 36.25 रुपए का 52 वीक लो है 12 मई 2020 का। और आज की सिक्योरिटी पर डिलीवरी पोजीशंस देखेंगे तो तकरीबन 31% यहां पर आती हुई दिखाई देंगी परसेंटेज ऑफ डिलीवरी। अब देखिए, यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये बेसिकली आरसीएफ का चार्ट है जिसके अंदर आप यहां क्लियरली देखेंगे कि मार्च में इसके जो लेवल्स थे वो थे 21 रुपए के, और वहां से ग्रो हुआ एज पर द मार्केट कंडीशन। बहुत लंबे टाइम के लिए कंसोलिडेशन मोड इसने दिखाया, यहां पर देखिए कितने महीनों तक ये इसी लेवल के ऊपर इसके आसपास ही रेंज बाउंड कामकाज करता हुआ नजर आया, जो कि थे 40 रुपए से लेके और ऊपर में 50 रुपए तक के। उसके बाद फिर हल्का सा राइज लेके देखिए फिर कंसोलिडेट हुआ और फिर वापस से यहां पर आप देखेंगे 50 रुपए से लेके और 60 रुपए के बीच में कामकाज करता हुआ नजर आया। लेकिन जैसे ही खबर मार्केट में आई कि सरकार इसके अंदर प्राइवेट प्लेयर ढूंढ रही है स्टेक को सेल करने के लिए यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आप देखिए 3 दिन के अंदर 4 दिन के अंदर कितनी बड़ी तेजी से स्टॉक ने दिखाई। ये लेवल्स हैं आप देखिए तकरीबन 60 रुपए के, 60 रुपए के लेवल से ये स्टॉक 100 रुपए के लेवल पर पहुंचा मात्र 4 दिन के अंदर, और 2 मार्च के बाद में 2 मार्च के बाद में लगातार इस स्टॉक में गिरावट हमें देखने को मिली है। फिर कंसोलिडेट हुआ लेकिन फिर वापस से 50 डेज के एक्सपेंशन मूविंग एवरेज के आसपास यहां पर सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया है।
अभी की कंडीशन जो है, देखिए आज की जो कंडीशन है इन्वर्टेड हैमर रिप्रेजेंट कर रही है। इन्वर्टेड हैमर वैसे टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो एक वीक सिग्नल होता है, यानी कि सेलर्स का प्रेशर ज्यादा माना जाता है इन्वर्टेड हैमर की फॉर्मेशन अगर होती है, और ये चीज अनुमान लगाया जाता है कि इसके बाद में एक या दो ट्रेडिंग सेशन के अंदर स्टॉक नीचे जा सकता है। लेकिन देखिए इस खबर ने तो इसके अंदर वाकई में एक ये चीज ला दी है कि इस स्टॉक के अंदर गिरावट आगे आपको देखने को मिल सकती है। और आरएसआई की बात करेंगे तो आरएसआई भी इस वक्त इसका फ्लैट बिल्कुल नजर आ रहा है, बहुत लंबे टाइम से इन्हीं लेवल्स के ऊपर कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि आरएसआई के हिसाब से अगर आप देखें तो यहां पर कोई हलचल नहीं होगी। लेकिन अब आने वाले ट्रेडिंग सेशंस के अंदर जो नया हफ्ता शुरू होगा मंडे से, वहां पर इस ओएफएस की खबर का असर आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। और देखिए क्योंकि इसके जो लेवल्स थे वो थे लगभग 60 रुपए से भी नीचे के लेवल, जहां से ये र्यूमर बेसिस पर या मैं कह दूं न्यूज के बेसिस पर ऊपर की तरफ उछल के 100 रुपए के लेवल्स पर पहुंचा था। तो इसलिए अगर गिरावट आती है तो वो भी यहां पर देखिए, पहले तो मैं समझता हूं कि तकरीबन 60 रुपए तक के लेवल्स तक भी आ सकती है, उसके बाद में क्या कुछ इसके अंदर फ्लोर प्राइस होगा उसके हिसाब से देखने को मिलेगा कि कितना यहां पर आगे ये स्टॉक सस्टेन कर पाता है, किन लेवल्स को सस्टेन कर पाता है। तो ये चीज देखने वाली है कि सरकार अब फ्लोर प्राइस क्या नियुक्त करेगी, कौन सी डेट्स होंगी और यहां पर किस तरीके की पूरी कार्रवाई की जाएगी ओएफएस को लेके। तो आपको देखिए अलर्ट रहने की जरूरत है, अगर आपने बड़े लेवल्स पर यहां पर पोजिशन बनाई है तो या तो आपको बहुत लंबे टाइम तक रुकना पड़ेगा। एचएल में भी हमने देखा जब ओएफएस आया तो कई महीनों का कंसोलिडेशन पीरियड उसमें आया था, उसके बाद वो स्टॉक राइज होना शुरू हुआ और वापस से 1000 और 1100 रुपए के लेवल्स उसने अचीव करे थे, लेकिन फिर देखिए वो डाउन भी आ गया था। इसी तरीके से एक बार तो ये भी डाउन आ सकता है, उसके बाद ही यहां पर आपको वापस से उन लेवल्स के ऊपर ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा, जिसके अंदर अभी काफी लंबा टाइम लग सकता है। तो अगर नियर बाय लेवल पर आपने पोजिशन बना रखी है जिनके ऊपर ये भी है, तो आपको मैं यही चीज सजेस्ट करूंगा कि आपको यहां से निकलना चाहिए अगर आप शॉर्ट टर्म के ट्रेडर है। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को लेके बैठे तब फिर आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, डेफिनेटली ये थोड़ा बहुत नीचे जरूर जाएगा, मेरे ख्याल से 60 या 60 के नीचे के लेवल्स भी ये दिखा सकता है, लेकिन उसके बाद में ये स्टॉक काफी अच्छे पोटेंशियल के साथ में ऊपर आता हुआ भी दिखाई देगा, यानी कि ऊपर के लेवल्स भी इसके अंदर आते हुए देखने को मिल सकते हैं, जिसके लिए आपको शायद साल भर का भी समय देना पड़ जाए। तो इस तरीके से देखिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज है उन लोगों के लिए जिन्होंने आरसीएफ के अंदर यहां पर पोजीशंस बना रखी हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने इस दौरान जब इसके अंदर न्यूज आई थी प्राइवेटाइजेशन की तब इसके अंदर पोजीशंस बनाई थी। तो इस वीडियो में देखिए फिलहाल इतना ही, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में नए स्टॉक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।